जनपद में मंगलवार को 52 केंद्रों पर 9,505 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,641 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,864 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मंगलवार को 52 केंद्रों पर 9,505 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि 2 महिला स्पेशल बूथ और 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं तथा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, संक्रमण विभाग सहित अन्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर लोगों से अपील करते हुए कहा कि बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले तथा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे जनपद में आज 52 सेंटरों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं और हमारे जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और संचारी रोग विभाग में और हमारी सभी सीएससी पीएससी पर वैक्सीनेशन चल रहा है। जनता से अपील है कि हाँ, लोग लापरवाही बिल्कुल ना करें, कोरोना से डरे नहीं, लेकिन कोरोना के बचाव के नियमों का जरूर पालन करें। बचाव के 2 नियम हैं, या एक तो आपको अपने सावधानी बरतनी है कि भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें और घर के अंदर लौटें तब तक मास्क लगाए रहें, और मास्क जो है आपके नाक और मुंह को पूरी अच्छी तरह से ढके रहें। बार बार मास्क को ऊपर नीचे ना करें, इस तरह से टाइटली मास्क लगाएं जिससे कि वो सरके भी ना, तो ये सबसे बढ़िया बचाव है। और जब घर जाएं तो मास्क निकाल करके उसको, अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको कूड़े में डाल दें, और अगर आपका कपड़े का मास्क है तो उसको धुलने में डाल दें, धुल करके दूसरे दिन उसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप ऑनलाइन वैक्सीन है वो पोर्टल पर एंट्री करा करके वैक्सीनेशन कराएं। जब भी आपका मौका मिले, जब भी आपका समय आए तो उसमें आप वैक्सीनेशन कराएं। तो 2 तरीक़ों से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। तो पब्लिक से अपील है कि दोनों नियमों का पालन करें और जिससे हम कोरोना को दिल से भगा सकेंगे।